विकासनगर के आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में आज सुबह 9 बजे वन विभाग की टीम तिमली रेंज व स्कूल के समस्त स्टाफ द्वारा आज लगभग 50 पेड़ लगाए गए, जो कि वन विभाग की टीम द्वारा स्कूल को वितरण किए गए थे। इसमें स्कूल के स्टाफ का कहना है कि हमने अगस्त माह में 150 पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है, जिसे हम वन विभाग की टीम की मदद से पूरा कर लेंगे। वहीं विकासनगर के डॉक्टर राणा और डॉक्टर नरदेव शर्मा द्वारा बताया गया कि ऐसा करने से वायु को शुद्ध किया जा सकता है और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि पेड़ ही जीवन है, जीवन ही पेड़ है। वहां मौजूद अरविंद शर्मा ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष ने बताया कि हम इस तरह के कार्यक्रम क्षेत्र के हर विद्यालय में करेंगे। वृक्षारोपण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है ये विद्यालय में जो वृक्षारोपण किया गया है, ये आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज की तरफ से, और इसमें जो सहयोगी हैं वन विभाग तिमली के अधिकारी, जिनके द्वारा जो है ये सहयोग कर इस आसाराम वैदिक इंटर को हरा भरा करने के लिए पेड़ों के माध्यम से, जिससे ऑक्सीजन की आज के समय में आवश्यकता है, तो इन्होंने एक लक्ष्य है कि जो है सब जगह स्कूलों में और जहाँ भी आदमी का आज बगैर पेड़ के बगैर उनका जीवन जो है नरक की ओर जा रहा है, अगर पेड़ नहीं लगाएंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लोग बीमारियों की ओर जा रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना है इस चैनल के माध्यम से कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे हमको ऑक्सीजन मिले, हमारा जीवन सुरक्षित हो।